हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा, मजे में होंगे और मेरी तरह आपने भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेकेंड ओडीआई मैच देखा होगा। दोस्तों, कल का मैच तो बहुत मजेदार था और सच कहे तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की बैटिंग तो लाजवाब थी, लेकिन थोड़ा सा दिल में कसर रह गया क्योंकि ईशान किशन का सेंचुरी नहीं कम्प्लीट हुआ। लेकिन दोस्तों, मजा बहुत आया था। अब मेरे दिमाग में एक सवाल कब से चल रहा था, हो सकता है आप मुझसे बेहतर क्रिकेट को समझते होंगे, तो आप बता सकते हैं कि जब इंडियन क्रिकेट टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और इतना बढ़िया खेल सकते हैं, इतने लंबे समय तक क्रीज पे टिके भी रहते हैं और मिडिल ऑर्डर में ही सारे रन बनाते हैं, तो फिर ये ओपनर क्या करने आते हैं टीम में? चलो ठीक है, कुछ ओपनर होने भी चाहिए, लेकिन ऋषभ पंत जैसा प्लेयर और भुवनेश्वर कुमार जैसा प्लेयर टीम में कर क्या रहा है? ना इनसे ढंग से बॉलिंग होती है, ना ही बैटिंग होती है। ऋषभ पंत को मैंने अच्छा खेले कई सौ साल हो गए तब पहले देखा होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये बंदा अच्छा कब खेला था, लेकिन इसका सिलेक्शन हमेशा होता है, हर बार आके गुड़ गोबर करके जाता है। मुझे समझ भी नहीं आता है कि रोहित शर्मा को या कैप्टन्स को ऋषभ पंत में ऐसा दिखता क्या है कि उनको बिना खेलने के बावजूद भी सिर्फ कीपिंग करने के लिए रखते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम में और भी बहुत सारे विकेट कीपर हैं, जैसे दिनेश कार्तिक हुए, और भी अगर हम बी टीम की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर और बैट्समैन हैं जो अच्छा खेल सकते हैं और ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत आते ही आते हैं और अपना वो सड़ा सा परफॉर्मेंस करके जाते हैं और हमें दुखी कर देते हैं। उम्मीद है रोहित शर्मा भैया ऋषभ पंत को हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए, वो घर जाएं, अपने घर पे क्रिकेट खेलें, साथ में भुवनेश्वर कुमार को भी ले जाएं। इंडियन टीम में ऐसे नए नए प्लेयर को जगह दीजिए ताकि ये कुछ अच्छा कर सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिलहाल ईशान किशन की बैटिंग अधूरी रह गई, लेकिन उम्मीद है अगली बार वो और अच्छा होगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।